वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश फ्रेंड्स, आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट एडम फ्रेज लेकर आया हूँ जो आगामी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इसे याद करने का इजी ट्रिक दूंगा, आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। लेते हैं पहला एडम फ्रेज, टू कीप द बॉल रोलिंग। इंग्लिश में बोलेंगे टू कॉन्टिन्यू टू वर्क, हिंदी में बोलेंगे किसी काम को जारी रखना। इसे याद करने का ट्रिक है, जो स्पिन बॉलर जो होता है वो बॉल को रोल कराता है, रोल मींस घुमाता है, और वो घुमाना तब तक जारी रखता है जब तक कि उसे विकेट ना मिल जाए। लेते हैं सेकेंड एडम फ्रेज, बर्न ए होल इन ए पॉकेट। इंग्लिश में बोलेंगे मनी स्पेंड क्विकली। बर्न ए होल को लेते हैं बड़ा होल से, अगर पॉकेट के अंदर बड़ा होल होता है तो पैसा तेजी से गिर जाता है, मतलब पैसा तेजी से खर्च हो गया। लेते हैं थर्ड एडम फ्रेज, पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स। इंग्लिश में बोलेंगे टू डू थिंग्स रॉन्गली, मतलब हिंदी में किसी काम को गलत तरीके से करना। लेते हैं फोर्थ एडम फ्रेज, वंस इन ए ब्लू मून। इंग्लिश में बोलेंगे रेयरली, हिंदी में बोलेंगे बड़ी मुश्किल से। इसे याद करने का ट्रिक है, बड़ी मुश्किल से मैंने उसे समझाया कि मून जो है ब्लैक नहीं, ब्लैक है, ब्लू नहीं है। लेते हैं नेक्स्ट एडम फ्रेज, पुट इन कोल्ड स्टोरेज। इंग्लिश में बोलते हैं टू कीप ए वर्क पेंडिंग, हिंदी में बोलेंगे काम को अधूरे पर रखना। लेते हैं नेक्स्ट एडम फ्रेज, टेक द बुल बाई हॉर्न्स। इंग्लिश में बोलेंगे टू अडॉप्ट मोस्ट डिफिकल्टीज, हिंदी में बोलेंगे मुश्किल काम को अपनाना। इसे याद करने का ट्रिक है, बुल्स मीन्स बैल और हॉर्न्स मीन्स सींग, अगर हमने बैल की सींग को हमने सामने से पकड़ा तो अपने आप को मुसीबत में डाल दिया। लेते हैं सेवेंथ, बर्न द कैंडल एट द बोथ इन। इंग्लिश में बोलते हैं टू वेस्ट मनी, हिंदी में बोलेंगे बेकार का खर्च करना। अगर मोमबत्ती के दोनों सिरों को हम जलाते हैं तो उसे बेकार का खर्च माना जाएगा। लेते हैं नेक्स्ट एडम फ्रेज, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। इंग्लिश में बोलेंगे बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, हिंदी में बोलेंगे मुसीबत में होना। इसे याद करने का ट्रिक है, डेविल मीन्स भूत और डीप सी मतलब गहरा समुद्र, अगर कोई आदमी भूत और गहरे समुद्र के बीच में खड़ा है तो वो सबसे बड़ी मुसीबत में है। लेते हैं नेक्स्ट एडम फ्रेज, टू मूव हेवन एंड अर्थ। इंग्लिश में बोलेंगे टू मेक मैक्स एफर्ट, हिंदी में बोलेंगे सबसे ज़्यादा कोशिश करना। इसे याद कर सकते हैं, हेवन मीन्स स्वर्ग और अर्थ मीन्स पृथ्वी, स्वर्ग से पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा बार कोशिश की वैज्ञानिकों ने जाने की। लेते हैं नेक्स्ट, बिग एंड बिगर्स। इंग्लिश में बोलते हैं कम्प्लीटली, हिंदी में बोलेंगे पूरी तरीके से। इसे याद करने का ट्रिक है, बैग में सारा सामान पूरी तरीके से आ गया। लेते हैं नेक्स्ट, टू होल्ड ओन्स टंग। इंग्लिश में बोलेंगे टू कीप साइलेंट, हिंदी में बोलेंगे शांति बनाए रखना। इसे याद करने का ट्रिक है, अगर जीभ को आप पकड़ लेंगे तो आप खुद शांत हो जाएंगे। लेते हैं नेक्स्ट, एट एलेवेंथ आवर्स। इंग्लिश में बोलेंगे लास्ट मोमेंट, हिंदी में बोलेंगे अंतिम समय पर। इसे याद करने का ट्रिक है, घड़ी में 11वें घंटे के बाद 12वां जो घंटा होता है वो अंतिम घंटा होता है। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।